नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, रेलवे ने कई रेलगाड़ियों को निरस्तीकरण किया यानी कि रद्द किया है नॉन इंटरकॉलिंग कार्यों के कारण। रेलवे अलग अलग ट्रेनों को अलग अलग तारीख में रद्द कर दी है। तो कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। उससे पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी कुंसन को दबाइए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो पहली जो ट्रेन है, गाड़ी संख्या 8235, पटना जंक्शन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बुधवार रविवार को यह ट्रेन रद्द है। और यहाँ पे आप 9 मार्च 2022, 13 मार्च 2022 को रद्द है। नेक्स्ट, गाड़ी संख्या 8356, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पटना जंक्शन, मंगलवार शुक्रवार 12 मार्च 2022 और 16 मार्च 2022 को रद्द कर दी गई है। यहाँ पर गाड़ी संख्या 22947, सूरत भागलपुर, मंगलवार शनिवार सोमवार गुरुवार को 13/3/22 और 14/3/22 को रद्दीकरण किया गया है। इस प्रकार से काफ़ी सारे ट्रेनें हैं, तो बाकी ट्रेनों को आप रीड कर लीजिएगा यात्रा करने से पहले, ठीक है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस कामाख्या लोकमान्य तिलक टर्मिनस, इस तरीके से कोल्हापुर धनबाद जंक्शन, गाड़ी संख्या 11045, शुक्रवार को यह ट्रेन रद्द है 12 मार्च को। इसी तरीके से काफ़ी सारे ट्रेनें हैं, तो आप यात्रा करने से पहले आप इन सभी ट्रेनों को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इन ट्रेनों में अगर आपका टिकट होगा और ट्रेन कैंसिल है, तो आपको खुद से टिकट कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आप इन ऑनलाइन टिकट बुकिंग किए होंगे तो, ठीक है। ऐसा अगर आप खुद से टिकट कैंसिल करते हैं ट्रेन रद्द हो जाने के बाद, तो आपको कैंसिलेशन चार्ज कट जाता है, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन टिकट को कैंसिल खुद से करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको खुद पैसा रिफंड हो जाता है ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल होकर के। काउंटर से जो लोग टिकट लिए होंगे इस ट्रेन में, उन लोग काउंटर पर जाकर के अपना टिकट कैंसिल करा करके रिफंड ले सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी साथ आपको अच्छी लगी हो। चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ।